ओम शांति, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बीसीडी नंबर 3794, क्लैरिफाइड ऑन 14/11/2021। प्रातः क्लास चल रहा था 16 दिसंबर 1968। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 16 दिसंबर 1968 वॉज इन प्रोग्रेस। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक इन द मिडल ऑफ द सेकेंड पेज। इस दुनिया में ये रियलाइज कौन कराता है कि हम आत्मा हैं? इन दिस वर्ल्ड हु मेक्स अस रियलाइज दैट वी आर अ सोल। ऐसी तो कोई जीव आत्मा नहीं होगी जिसको ये मालूम हो कि हम आत्मा हैं। देयर वोंट बी एनी ऑफ सच लिविंग सोल हु वुड नो दैट वी आर अ सोल। हम ये आत्माएं पार्ट बजाती हैं और बहुत छोटी सी हैं। वी सोल्स प्ले द पार्ट एंड वी आर वेरी माइन्यूट। परंतु ज्ञान में ज्ञान तो कोई में है नहीं। बट नो वन हैज नॉलेज। गोया बच्चों में कुछ भी ज्ञान नहीं है इस समय। इट इज एज इफ द चिल्ड्रन डोंट हैव एनी नॉलेज एट दिस टाइम। क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बन चुकी है। इट इज बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड इटसेल्फ हैज बिकम तमो प्रधान। एक तो ज्ञान नहीं है और दूसरी ग्लानी बहुत है। Firstly, there isn't knowledge, and secondly, there is a lot of defamation. अभी तुम्हारे में जब ज्ञान है तो ग्लानी बिल्कुल बंद। Now, when you have knowledge, you stop defaming the father completely. एकदम ग्लानी बंद। बाप की अभी तुमको वो बुद्धि में आया कि क्या हम आत्मा अपने बाप की बहुत ग्लानी करते आए हैं। You stop defaming him at once. Now it has come in your intellect. Have we souls kept defaming our father a lot? अरे बहुत आधा कल्प हमने ग्लानी की है। अरे we have defamed him a lot for half of the cycle. तो जितनी जितनी ग्लानी करते जाते हैं उतने उतने दूर होते जाते हैं। So the more we defame him, the more we go far away from him. ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसे ही चलता है, शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही चलता है। द सेम हैपेंस इन द ब्रॉड ड्रामा एज वेल एज द शूटिंग पीरियड। अभी तुमको ये ज्ञान मिला हुआ है कि ड्रामा के प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में ये सब हो नहीं है। नाउ यू हैव रिसीव्ड दिस नॉलेज दैट ऑल दिस सर्टेनली हैज टू टेक प्लेस इन द पाथ ऑफ भक्ति अकॉर्डिंग टू द ड्रामा प्लान। इसलिए हम उतरते गए हैं नीचे। दिस इज वाई वी हैव केप्ट डिसेंडिंग। सीढ़ी की पौड़ियां नीचे उतरते गए ना। वी कंटिन्यू टू क्लाइम डाउन द स्टेप्स ऑफ लैडर, डिडंट वी? तो देखो समझ पड़ती है ना बुद्धि में। सो लुक यू अंडरस्टैंड इट थ्रू द इंटेलेक्ट, डोंट यू? जबकि सभी समझ अच्छी तरह बुद्धि में पड़े पक्के रूप में, इस बुद्धि में पक्की समझ पड़े। और फिर देखो कभी भी कोई को दूसरा आलतू फालतू प्रश्न नहीं चलता चल सकता है। When you understand all this through the intellect nicely, firmly, when you understand it firmly through the intellect, then look, no one can ever have any waste questions. क्योंकि मूल बात तुम्हारी रह ही जाती है यही कि हम अपने बाप को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते याद करें। इट इज बिकॉज द मेन पॉइंट यू हैव इन द इंटेलेक्ट इज वी शुड रिमेम्बर आवर फादर व्हाइल वॉकिंग, मूविंग अराउंड, स्टैंडिंग, सिटिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग। इसमें तकलीफ तो कोई भी बाबा नहीं देते। बाबा डजंट गिव यू एनी ट्रबल। क्योंकि कोई बात के लिए तकलीफ देना तो ये बाप का काम तो नहीं है ना। इट इज बिकॉज ट्रबलिंग समवन फॉर सम रीजन सर्टनली इज इन द टास्क ऑफ फादर, इज इट? बाप तो कहते हैं मैं तो कोई भी तकलीफ बच्चों को नहीं देता। द फादर सर्टनली सेज आई डोंट गिव एनी ट्रबल टू द चिल्ड्रन। और ये तकलीफ है क्या? एंड इज दिस एनी ट्रबल? बाप को याद करना कभी कोई कहेंगे कि तकलीफ है? Will anyone ever say, remembering the father is a trouble?
बच्चे जो बाप के बच्चे बनते हैं तो क्या वो बाप कभी बच्चे को तकलीफ दे सकते हैं? The children who become the father's children, can that father ever give trouble to his child? ये तो law नहीं कहता है. This isn't the law. तो बाप कहते हैं मैं तो बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता. So the father says, I don't give any trouble to the children. कुछ भी पूछते हैं, कोई भी तरह का सवाल जवाब, कुछ भी पूछते हैं, मैं तो कह देता हूं अरे तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो. फॉर वॉट एवर दे आस्क, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, आई सर्टनली से अरे व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम. तुम बाप को याद करो. रिमेम्बर द फादर. जब तुम सत्व प्रधान बनेंगे तो सब प्रश्नों का समाधान हो जाएगा. When you become सत्व प्रधान, all the questions will be solved. इसलिए हम सब बाप को याद करते हैं. This is why we all remember the father. और वो है, वो तो देखने में आता है ना. And he is present. He is certainly visible, isn't he? और वो तो बाप ने समझाया भी है, देखा है ना कि बच्चे मैं आता ही हूँ. And the father has certainly explained. You have seen that, haven't you? Children, I certainly come. और ये पक्का समझो कि मैं आया हुआ हूँ तुमको ले जाने के लिए. And understand this nicely. I have come to take you back. तुमको घड़ी घड़ी संशय आता है. You have doubts again and again. सिर्फ तुम बच्चों को बाप को याद करके पावन बनना है और तो कुछ भी बात नहीं, बिल्कुल ही नहीं. You children have to only remember the father and become pure. There is nothing else apart from this, not at all. पहचाना है तो जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ. You have recognized me, so you know. I am the purifier of the sinful. तुम्हारा बाबा हूँ और कहता हूँ. I am your baba and I say. मुख से फिर एक ही बात कहता हूँ, दूसरी कोई बात की दरकार ही नहीं है, बिल्कुल नहीं. I say only one thing through the mouth. There is no need to say anything else at all. Not at all. समझे ना? You have understood, haven't you? क्योंकि एक ही बात से तुम्हारा बेड़ा पार होने का है. It is because your boat will go across only through this one thing. और वो ही बात है, फिर कोई दूसरा प्रश्न उत्तर मत पूछो. And it is the same thing. Then don't ask any other questions. तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, बस उठते बैठते. कहते हैं ना कि सामने देखो कौन आया हुआ है. You waste your time doing that. That's it. He says, doesn't he? While standing, sitting, look in front of you, who has come? 16 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज. बाप कहते हैं, थर्ड पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 16th दिसंबर 1968. द फादर सेज, बाप बात ही करते हैं कि बाप ही समझाते हैं. ही सर्टनली सेज दैट द फादर हिमसेल्फ एक्सप्लेन्स. बाकी युक्ति बताए देते हैं कि कहां भी जाओ बस बाप को याद करना है. बस He tells us the tactic. Wherever you go, you have to just remember the father. That's it. तो पाप कट जाएंगे? Then the sins will be destroyed. और 84 जन्मों का हिसाब तो बाप ने अच्छी तरह समझाई दिया है. And the father has explained the account of 84 births nicely. ये 84 का चक्कर का हिसाब है. It is the account of the cycle of 84 births. और फिर चक्कर को भी कहना छोड़ करके फिर भी कह देते हैं मुझे याद करो. एंड देन ही इवन लीव्स द टॉपिक ऑफ द साइकिल एंड ही सेज रिमेम्बर मी. जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है. द रीजन फॉर विच यू हैव कॉल्ड मी. तो याद करो. सो रिमेम्बर मी. तो अभी ये है अपनी जांच करना. नाउ यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि कहाँ तक हम बाप को याद करने योग्य बने हैं और कोई तरफ में विचार तो नहीं करना है.
टू वॉट एक्सटेंट हैव वी बिकम वर्दी ऑफ रिमेम्बरिंग द फादर एंड यू शुडेंट हैव एनी अदर थॉट। बस दैट्स इट, चलते चलते, क्योंकि ये है मोस्ट इजी चीज बच्चों के लिए बाप को याद करने की। वाइल वॉकिंग इट इज बिकॉज रिमेम्बरिंग द फादर इज द इजिएस्ट थिंग फॉर द चिल्ड्रन। बच्चा पैदा होगा जब थोड़ा भी आर्गन से बड़ा होता है तो देखो ऑटोमेटिकली माँ को और बाप को याद कर लेते हैं। When a child is born and his organs develop even a little, then look, he remembers his parents automatically. अरे बाप तो यू तो यहाँ ऑटोमेटिकली हम आत्माएं हैं और बाप के बच्चे। अरे the father, here we are automatically souls and we are the children of the father. बस हम बाप के बच्चे हैं। That's it, we are the children of the father. तो हमको क्यों याद करना है? So why should we remember him? क्योंकि याद करने से हमारा जो पाप जन्म जन्मांतर के चढ़ गए हैं, जिन पापों के कारण हम दुख भोगते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। It is because the sins we have accumulated for many births, because of which we suffer sorrow, they will be destroyed through remembrance. और तो कोई बात ही नहीं है ना? There is nothing else, is there? इसके लिए इसका गायन ही है कि एक सेकंड में जीवन मुक्ति। This is why it has certainly been praised, liberation in life in a second. मुक्ति और जीवन मुक्ति। There is liberation and liberation in life. और जीवन मुक्ति है पढ़ाई के ऊपर। And liberation in life depends on studies. सारा मदार पढ़ाई के ऊपर जीवन मुक्ति रखती है, और मुक्ति है याद के ऊपर। The entire basis of attaining liberation in life is on studies, and the liberation depends on remembrance. तो सिर्फ याद करो। So only remember the father. जितना याद करोगे इतना ऊंचे नंबर में मुक्ति पाओगे। The more you remember him, you will attain liberation at a high rank to that extent. तो देखो हर बात में कोई भी हालत में धंधा करते रहो, बाप कोई मना मना नहीं करते हैं। So look, in every aspect, come what may, keep doing your business. Baba doesn't forbid you. धंधा भी तो बच्चों को याद पड़ता है ना? It is because the children remember their business as well, don't they? सारा दिन और सारी रात जो धंधा शुरू करते हैं उनको याद करते रहते हैं। Day in and day out, they keep remembering the business that they start. अरे पर ये भी तो धंधा है ना? बाप धंधा देते हैं। अरे बट दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस, इजंट इट? द फादर गिव्स यू द बिजनेस। कि तुम आत्मा हो और अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो। यू आर अ सोल, कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल एंड रिमेम्बर मी। ये धंधा दिया हुआ है। ही हैज गिवन यू दिस बिजनेस। और फिर जबकि बेहद के बाप ने ये धंधा दिया है, चक्कर को याद करो, 84 के चक्कर को, तो पहले से ही कह देते हैं ना ये पुराना चोला है तुम्हारा। एंड व्हेन द अनलिमिटेड फादर हैज गिवन यू दिस बिजनेस ऑफ रिमेम्बरिंग द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स, ही सेज बिफोर हैंड, दिस इज योर ओल्ड बॉडी। मुझे याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। इफ यू रिमेम्बर मी यू विल बिकम सतो प्रधान। अच्छा ये भी ऑटोमेटिकली जानते हो कि हमको नया चोला जरूर मिलेगा। अच्छा यू नो दिस ऑटोमेटिकली दैट यू विल डेफिनेटली रिसीव अ न्यू बॉडी। क्योंकि तन तो याद रखना है अपने पास, जिससे बहुत फायदा हो जाएगा। इट इज बिकॉज यू हैव टू रिमेम्बर द एसेंस बिकॉज ऑफ विच यू विल बी बेनिफिटेड अलॉट। जैसे स्कूल में बहुत सब्जेक्ट्स होती हैं। जस्ट लाइक देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स इन स्कूल। फिर ये जो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं या कोई भी लैंग्वेज में समझते हैं कि भाई ये इसकी मार्क्स इस सब्जेक्ट में अच्छी है। दे टीच इंग्लिश और एनी लैंग्वेज दे थिंक दैट दिस वन हैज अचीव्ड गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। अच्छी मार्क्स मिलती है। He has scored good marks. क्योंकि
आज की दुनिया में अंग्रेजी बगैर तो काम ही नहीं चलता है। इट इज बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड नथिंग इज पॉसिबल विदाउट इंग्लिश। बात ही नहीं कर सकते हैं। यू कांट इवन कम्युनिकेट क्योंकि अंग्रेजी है लैंग्वेज जिसे सारी दुनिया की आत्माएं समझ सकती हैं। इट इज बिकॉज इट इज द इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू विच द सोल्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज। और जिस लैंग्वेज से हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। एंड वी कैन कम्युनिकेट टू एनी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू दिस लैंग्वेज। वो तो बात ठीक है। दैट इज ऑल राइट। मगर लैंग्वेज और वो लैंग्वेज। बट द लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज। क्यों वो लैंग्वेज इतनी बढ़ गई? Why has that language spread so widely? क्योंकि उनका राज्य आ गया। It is because their rule arrived. अभी तलक भी उनका जैसे कि राज ही समझना चाहिए। You should consider it to be only their rule even till now. ऐसे नहीं कि हम भारतवासियों का राज्य है। It isn't that, it is the rule of us भारतवासीज। नहीं, हम कर्जदार हैं उनके। No, we are indebted to them. अब कर्जदार है क्योंकि इसमें लज्जा भी तो आनी चाहिए ना। Now, when we are debtors, we should feel ashamed of it, shouldn't we? क्यों हम कर्जदार बने? We should think, why did we become debtors? देखो, इस बात में तुम बच्चों को लज्जा आनी चाहिए ना। Look, you children should feel ashamed of it, shouldn't you? तो बच्चे जो भी हैं यहाँ, अरे भले कितने भी धनवान हो पर तुम्हारी बुद्धि में तो ये बात है ना। ये हमारी जो राजधानी के हेड्स हैं, फिर उनको राजा रानी कहो या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहो, है तो सब कर्जदार ना। सो ऑल द चिल्ड्रन हु आर प्रेजेंट हियर, अरे नो मैटर हाउ रिच समवन इज, यू हैव इट इन योर इंटेलेक्ट। The heads of our capital, call them a king or a queen, the president or the prime minister, all of them are certainly debtors, aren't they? तो हम कर्जदार हैं। So we are debtors. और हम भारत के मालिक हैं, हम भारतवासी हैं, तो हम कर्जदार हैं। अरे। We are the masters of Bharat, we are the Bharatvasis, and we are debtors. अरे। ऐसे ही कहेंगे ना? It will be said just like that, won't it? जो भी रही साहूकार होंगे सभी कहेंगे कि हम भारतवासी। All the rich, wealthy people will say, we are भारतवासीज। ये विलायती, विलायतवासी, हम कर्जदार हैं। तो ये समझ होनी चाहिए ना बच्चे। We are the debtors of these foreigners, the residents of the foreign countries. So you should have this wisdom, shouldn't you children? तो ये कोई बच्चों को इतना युक्ति से नहीं समझ में आता है। No children understand it tactfully. पर फिर भी समझते तो हो ना। But still, you do understand it, don't you? आगे पीछे समझ तो जाते हो। You certainly understand it sooner or later. जबकि ये बादशाही तुम स्थापन कर रहे हो। You are establishing this emperorship. और अभी ये तुम जानते हो कि हम अभी ये कर्ज से छूट करके बहुत सॉल्वेंट बन जाएंगे। एंड नाउ यू नो वी विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दिस डेट एंड बिकम वेरी सॉल्वेंट नाउ। फिर हमको हमारे से भले कोई कर्ज उठावे। देन एनीवन मे टेक लोन फ्रॉम अस। फिर तो हम कोई से भी कर्ज उठाने वाले नहीं है। देन वी वोंट टेक लोन फ्रॉम एनीवन एट ऑल। क्योंकि अखूट ज्ञान का भंडार मिलता है तुम बच्चों को। इट इज बिकॉज यू चिल्ड्रन रिसीव द इनएग्जॉस्टेबल स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। तो अभी कर्जदार और ये पतित दुनिया के मालिक हैं। सो नाउ वी आर डेटर्स एंड द मास्टर्स ऑफ दिस इम्प्योर वर्ल्ड। अभी हम कर्जदार भी हैं, पतित दुनिया के मालिक भी हैं। नाउ वी आर डेटर्स As well as the masters of this impure world. ऐसे कहेंगे ना बच्ची सभी। Everyone will say that, won't they, daughter? ये हमारा भारत देश है। This is our country, Bharat.
और हमारा भारत सबसे अच्छा देश है। एंड आवर भारत इज द बेस्ट कंट्री। बड़े गीत गाते रहते हैं ना, दे सिंग मेनी सॉन्ग्स डोंट दे? तो अभी तुमको क्यों ये याद पड़ता है? सो नाउ व्हाई डू यू रिमेम्बर दिस? क्योंकि तुम अभी जान गए हो कि हम बहुत साहूकार थे। इट इज बिकॉज नाउ यू हैव कम टू नो वी वर वेरी रिच। हम परिस्तानी परिजात और परिजादिया थी। वी वर फेरीज ऑफ द लैंड ऑफ फेरीज। विश्व के मालिक थे। वी वर द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी ये बच्चों को याद रहता है ना कि हम ऐसे ऐसे थे, सारे विश्व के मालिक। नाउ द चिल्ड्रन रिमेम्बर दैट दे वर दैट द मास्टर्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। उस समय कारदारी का तो नाम निशान भी नहीं था एकदम। एट दैट टाइम देर वॉजंट इवन नेम एंड ट्रेस ऑफ इंडेटेडनेस एट ऑल। और अभी तुम जानते हो कि बिल्कुल ही कर्जदार बन पड़े हैं और फिर डर्टी भी बन पड़े। एंड नाउ यू नो दैट यू हैव बिकम डेटर्स कम्प्लीटली एंड यू हैव ऑल्सो बिकम डर्टी। तो ये हुआ। सो ऑल दिस हैज हैपेंड। और इस खेल का रिजल्ट बाप बता रहे हैं। एंड द फादर इज टेलिंग यू द रिजल्ट ऑफ दिस गेम। तो इस खेल की रिजल्ट क्या हुई है? सो वॉट इज द रिजल्ट ऑफ दिस गेम? और वो भी ऐसे ही कहते हैं। एंड ही ऑल्सो सेज द सेम थिंग। तुम बच्चे, तुमको स्मृति आती है कि हम बहुत बहुत साहूकार थे। यू चिल्ड्रन हैव दिस अवेयरनेस वी वर वेरी रिच। तो वो साहूकारी का नशा तुमको याद पड़ता है। सो यू रिमेम्बर द इलेशन ऑफ दैट रिचनेस। किसने तुमको इतना साहूकार बनाया था? हु मेड यू सो रिच? बच्चों, अभी देखो बच्चों को कहते हैं ना। चिल्ड्रन नाउ लुक ही आस्क्स द चिल्ड्रन दैट डजंट ही। तो बच्चे क्या कहेंगे? सो व्हाट विल द चिल्ड्रन से? अपन को इतना साहूकार बाबा ने बनाया था। बाबा मेड अस सो रिच। क्योंकि इतनी बड़ी सारी दुनिया में एक ही है ना साहूकार बनाने वाला इतना। इट इज बिकॉज देयर इज ओनली वन हु मेक्स अस सो रिच इन दिस एंटायर बिग वर्ल्ड। भारत को साहूकार बनाया, सारे भारत को साहूकार बनाया। ही मेड भारत रिच, ही मेड द एंटायर भारत रिच। 16 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज दूसरी लाइन। फोर्थ पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 16 दिसंबर 1968 सेकेंड लाइन। ये भी जानते हो कि बरोबर इस समय में इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। यू ऑल्सो नो दैट ट्रूली द वर्ल्ड डजंट नो अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स नाउ। कि भारत को इतना सारा राज्य था और आज तो कुछ भी बात ही नहीं है उनको मालूम है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड डोंट नो दैट भारत हैड सो मच एंड टूडे इट डजंट हैव एनीथिंग। क्योंकि लाखों वर्ष की बात हो गई तो भूल गए हैं इन बातों को। दे नो दैट इट इज बिकॉज इट हैज बीन लैक्स ऑफ इयर्स सो दे हैव फॉरगॉटन दीज कॉन्सेप्ट्स। तो कुछ भी नहीं जानते। दे डोंट नो एनीथिंग एट ऑल। और तुम तो देखो सब कुछ जान गए हो ना। एंड लुक यू हैव कम टू नो एवरीथिंग हैवंट यू? और यहाँ आकर के जान गए हो बाबा के पास। एंड यू हैव कम टू नो ऑफ इट आफ्टर कमिंग हियर टू बाबा। हम कितने भारत पद्मा पदम साहूकार थे और हम पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वी द रेजिडेंट्स ऑफ भारत वर सो रिच, मल्टी मिलियन फोल्ड रिच एंड वी वर प्योर, वी वर वेरी हैप्पी। वहाँ कोई भी झूठ पाप फलाना टीरा बिल्कुल ही नहीं होता है। देयर इजंट फॉल्सिटी सिन सो एंड सो देयर एट ऑल। अरे पर उनका नाम ही ड्रामा में है, जीत विश्व पर जीत। अरे बट हिज वेरी नेम इन द ड्रामा इज विक्ट्री, विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड। तो देखो कहाँ कहाँ तुम्हारा गायन भी है। सो लुक यू आर प्रेज्ड इन सो मेनी प्लेसेस। जो बाबा देते हैं शिव बाबा ही देते हैं। बाबा गिव्स इट
शिव बाबा हिमसेल्फ गिव्स इट। जो शिव बाबा देते हैं सो तो कोई भी दे ही नहीं सकता है। नो वन कैन गिव व्हाट शिव बाबा गिव्स एट ऑल। अभी तो ये बाप कहते हैं ना, बाप कहो बाबा कहो, जो आए करके हमको देते हैं। नाउ द फादर सेज दैट डजंट ही, कॉल हिम द फादर और बाबा, ही कम्स एंड गिव्स इट टू अस। ऐसे देने की कोई की भी ताकत नहीं है। नो वन हैज द पावर टू गिव दैट एट ऑल। जो आधा कल्प बेहद का सुख हमको देते हैं। ही गिव्स अस द अनलिमिटेड हैप्पीनेस फॉर हाफ ऑफ द कल्पा। ऐसा सुख है जिसमें दुख का नाम निशान नहीं। ही गिव्स अस सच हैप्पीनेस व्हिच डजंट हैव द नेम एंड ट्रेस ऑफ सॉरो। ये भी बाप कहते हैं कि बेहद का सुख नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं पर और भी जास्ती सुख है। द फादर ऑल्सो सेज दैट नॉट जस्ट द अनलिमिटेड हैप्पीनेस, नॉट जस्ट दिस मच, बट देर इज इवन मोर हैप्पीनेस। क्योंकि तुम भक्ति मार्ग में भी तुम्हारे पास ढेर पैसे रहते हैं। इट इज बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ मनी इन द पाथ ऑफ भक्ति एज वेल। ढेर रतन, अथाह रतन तुम्हारे पास रहते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ जेम्स, न्यूमरस जेम्स। जो 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 पिछाड़ी में आते हैं ना कलयुग में, कलयुग पिछाड़ी का युग है ना। दोज हू कम इन द एंड इन द आयन एज, द आयन एज इज द लास्ट एज इजंट इट। उन पिछाड़ी वालों के हाथ में लग जाता है। दोज हू कम इन द एंड रिसीव इट। अभी तो उन रतनों की वैल्यू, नाउ द वैल्यू ऑफ दोज जेम्स। जो रतन तुम छित्तियों भित्तियों में लगाते थे, दरवाजों के अंदर लगाते थे। यू एम्बेडेड दोज जेम्स इन सीलिंग इन वॉल्स, यू एम्बेडेड देम ऑन डोर्स। अरे वो रतन तो अभी देखने में भी नहीं आते। अरे यू कांट इवन सी दोज जेम्स नाउ। एक जरी इतनी छोटी सी पिचकड़ी उन रतनों की और उनका कितना दाम हो गया। अ सिंगल गोल्ड थ्रेड सच अ स्मॉल बिट ऑफ दोज जेम्स इज सो कॉस्टली। जैसे कि अभी तो मिले ही नहीं सकते हैं। इट इज एज इफ यू कांट इवन फाइंड देम नाउ। तो फर्क तो देखते हो ना। सो यू सर्टेनली सी द डिफरेंस डोंट यू। तुम ही फर्क देखते हो, तुम ही थे पूज्य देवी देवता और तुम ही थे पुजारी। यू योरसेल्फ सी द डिफरेंस, यू योरसेल्फ वर वर्शिप वर्दी डेटीज एंड यू योरसेल्फ वर वर्शिपर्स। है ना, नहीं तो देखो बाप की कितनी दुर्गति करते हैं। इजंट इट, अदरवाइज लुक दे डिग्रेड द फादर सो मच। आप ही पूज्य, यू योरसेल्फ वर वर्शिप वर्दी। पूज्य तो जरूर थे, यू वर सर्टनली वर्शिप वर्दी। अभी तलक भी पूजा करते रहते हैं। यू कीप वर्शिपिंग गॉड इवन टिल नाउ। पूज्य जरूर थे परंतु उनको ये मालूम नहीं है कि देखो कि तुम सब फिर पुजारी बन जाते हो। यू वर सर्टनली वर्शिप वर्दी बट दे डोंट नो लुक ऑल ऑफ यू बिकम वर्शिपर्स लेटर। अभी बाप पूज्य नहीं है वास्तव में। वेल द फादर इजंट वर्शिप वर्दी इन रियलिटी। परंतु पुजारी दुनिया में आ तो जाते हैं ना। बट ही डज कम इन द वर्ल्ड ऑफ वर्शिपर्स डजंट ही। पर वो बाप न पूज्य है न पुजारी, पुजारी है ही नहीं। बट दैट फादर इज नीदर वर्शिप वर्दी नॉर इज ही अ वर्शिपर, ही इजंट अ वर्शिपर एट ऑल। और कोई देखो कुछ पूजा करते हैं। एंड लुक Does he worship anyone? तो पूज्य वो एवर पूज्य है। So he is worship worthy. He is ever worship worthy. ये अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है। Now you children have come to know about this. अगर वो कच्छ में मच्छ में बारह में परशुराम में आवे, इन सब बातों में आवे तो पूजा भी कर लेवे। Had he come in a tortoise, a fish, a boar, or in Parshuram, had he come in all these beings, he would even worship someone. परंतु नहीं, वो पूज्य और पुजारी होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है। ओम शांति। But no, he doesn't become worship worthy or a worshipper at all. He never becomes that. Om Shanti.